अभी हम बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत बिहट नगर पार्षद में मौजूद हैं और अभी हम वार्ड पार्षद से बातचीत करेंगे कि नगर निकाय चुनाव में इनका क्या हिस्सेदार रहा। अभी नगर निकाय चुनाव में इन्होंने भागीदार लिया है, पार्टिसिपेट किए हैं, तो क्या मुद्दा लेकर। अच्छा, सबसे पहले बीबीएल न्यूज में आपका स्वागत। धन्यवाद। अच्छा, पहला सवाल रहेगा मेरा कि आप नगर निकाय चुनाव में आप पार्टिसिपेट किए हैं, तो पिछले कितने वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं? हम तो शुरू से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं, उसमें आनंद आता है समाज सेवा करने में। अच्छा, शुरू से मैक्सिमम कितने वर्ष से? वर्ष से नहीं, तो स्वाभाविक गुण है, शुरू से ही है। अच्छा, शुरू से ही। अच्छा, समाज सेवा शुरू से ही करते आए हैं। अच्छा, इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इससे कुछ साल पहले भी लगातार लड़ते आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये पहली दफा है चुनाव में, इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। अच्छा, चुनाव में पहली दफा? जी जी, यह पहली दफा है। अच्छा, चुनाव लड़ने का आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा है, देखिए, गरीबी, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही हमारा मुख्य मुद्दा है। अच्छा, मुख्य मुद्दा ये है आपका। अच्छा, ऐसा तो नहीं विजय होने के बाद ये सारा मुद्दा भूल जाइए? नहीं, विजय हो चाहे जो हो परिणाम, वो तो बाद की बात है। हम लोग संघर्ष में शुरू से लगे हुए हैं, आगे भी संघर्ष में लगे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि विजय होंगे या नहीं होंगे तो इससे हट जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है संघर्ष के लोग हैं, हम लोग संघर्ष में लगे रहेंगे। यानी कि संघर्ष करना सीख लीजिए, क्योंकि संघर्ष ही मेन हमारा स्थित है, क्योंकि अगर संघर्ष करना छोड़ देंगे तो ना जाने कहां कहां भटक जाएंगे क्या। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष के हम लोग साथ राही हैं, हम लोग संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जैसे कि आपका मुद्दा है समाज, आप अपने वार्ड में विकास क्या। अच्छा, आपके वार्ड में क्या क्या परेशानियां हैं अब तक? हमारे वार्ड में अभी आप नजर घुमा के देखिए, इधर कचरा, आगे कचरे का अंबार है, भूखमरी है, ना इलाज की व्यवस्था है, ना चापाकल की व्यवस्था है। पूछिए पब्लिक से घूम करके, कचरों का अंबार है, बीमारी की जगड़ा हुआ है, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात है बिजली, सबसे बड़ी समस्या है बिजली समस्या। ये है, गरीब आदमी है सर, मजदूरी भी दैनिक नहीं हो पाता है, जिससे उनका पेट भात चले। अब बिजली विभाग वाले अलग परेशान करते हैं, बिजली काटो, ये करो, वो करो, जबकि ये लोग तो मुफ्त बिजली के भागीदार हैं। यही हमारा मूल उद्देश्य है। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह सर ढोलक छाप हुआ, दो नंबर क्रमांक है हमारा, क्रमांक दो। जी, क्रमांक दो, ढोलक छाप हमारा चुनाव, ढोलक छाप इनका। और इनके बगल में जैसे कि देख सकते हैं जनता भी कुछ बैठे हुए हैं। अभी इनका बाइट लेने आए थे तो इन्होंने बोला कि चलिए जनता के बीच में, और यहाँ पर आकर बैठे। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम साहेब साहू हुआ। साहेब साहू। अच्छा, क्या लगता है इस चुनाव में कैसे कैंडिडेट को आप चुन रहे? जो जो काम करेगा उसी के लिए चुनेंगे। हाँ, जो काम करेगा उन्हीं को चुनना है। तो क्या लगता है आपके वार्ड में इस बार कैसे कैसे कैंडिडेट खड़ा हुए है, क्या एकदम काम करने लायक है कोई या नहीं? हाँ, काम करने लायक है, तब ना। हाँ, काम करने लायक है, उन्हीं को चुनना। हाँ हाँ। अच्छा, आपका क्या कहना है, जो काम करेंगे उन्हें चुनेगा या फिर जो काम नहीं करेंगे उन्हें? जो काम करेंगे वही आदमी को चुनेंगे, जो काम करेंगे उन्हीं को। हाँ, सही बात। अच्छा, आपके अनुसार आपके वार्ड में क्या क्या विकास अब तक नहीं हो पाया, जो ये कोई भी कैंडिडेट जीते तो आप उनसे करवाएंगे? कुछ नहीं हुआ सर, देखिए उधर कचरा है, उधर कचरा है, पानी भागने का जगह नहीं है, बीमारी है। अच्छा, आप कह रहे थे कि अब तक कुछ विकास नहीं हुआ। पानी टंकी जो भी लगवाए उसका पानी अभी तक कभी चालू ही नहीं हुआ है। अभी तक चालू ही नहीं हुआ? चालू ही नहीं हुआ है। अच्छा, शिकायत किए थे? शिकायत नहीं किया, हम काहे के लिए शिकायत करें, लगा दिए, लगा के पान चलेंगे, एक बार चेक भी करने के लिए आए, नहीं आए, पानी आया कि नहीं आया, चेक इन करने भी नहीं आया? नहीं नहीं आया। ये गलत है या सही? गलत है, पूरा गलत है। गलत है, कहीं ना कहीं जनता आक्रोश में रहते हैं चुनाव के समय में, ना जाने आप क्या क्या वादा कर जाते हैं और चुनाव हो जाने के बाद वो सारा वादा भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं ये सारा चीज गलत है। अच्छा, अभी हम इनसे बातचीत किए, हालांकि इनके बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें बीबीएल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।